दोस्तों नमस्कार, आप दे रहे कैट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 9 नवंबर 2023 और इस वीडियो में हम रोजाना की तरह बात करने वाली हैं आज दिन भर में क्रिकेट के रिगार्डिंग जितनी भी बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, सभी अपडेट्स को हम वन बाई वन बिल्कुल अच्छी तरह से डीपली एनालिसिस करने वाली है। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, चलिए फटाफट हम बात करते हैं आज दिन भर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल्स के सिनेरियोज को लेकर, जहां पर सेकंड सेमीफाइनल का पूरा शेड्यूल यहां पर फिक्स हो चुका है, जहां पर वर्ल्ड कप 2023 का दूसरा सेमीफाइनल महामुकाबला हमें 16 नवंबर को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन्स के स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों पहले सेमीफाइनल को लेकर अभी भी यहां पर बड़ा सस्पेंस बरकरार है। हालांकि टीम इंडिया ने टेबल टॉप करते हुए वर्ल्ड कप 2023 के पहले सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन कौन सी होगी दूसरी टीम यह फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है। आपको बताना चाहूंगा कि 3 टीमें फिलहाल रेस में, जहां पर वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मैच हमें इंडिया न्यूजीलैंड के बीच भी देखने को मिल सकता है, इंडिया पाकिस्तान के बीच भी देखने को मिल सकता है, इंडिया अफगानिस्तान के बीच भी देखने को मिल सकता है। चलिए हम तीनों सिनेरियोज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सिनेरियो के बारे में। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा भारत क्वालिफाई कर चुका है न्यूजीलैंड को क्वालिफाई करने के लिए। न्यूजीलैंड टीम का जो नेक्स्ट मैच श्रीलंका के साथ होने वाला है, उस मैच में श्रीलंका के खिलाफ थोड़े से अच्छे अंदाज से अच्छे गैप से अपने नेट रन रेट को इंक्रीज करते हुए जीत दर्ज करनी है, जिससे भाई आपकी श्रीलंकन टीम बाहर हो जाएगी और भाई न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल्स में अपने नेट रन रेट को इंक्रीज करते हुए क्वालिफाई कर जाएगी। अब हम बात करते हैं सेकंड सिनेरियो के बारे में, जिसके चलते इंडिया और पाकिस्तान के बीच हमें सेमीफाइनल देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहला सिनेरियो तो यही रहने वाला है कि भाई श्रीलंकन टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत दर्ज करनी पड़ेगी, न्यूजीलैंड को हारना पड़ेगा, अफगानिस्तान की टीम को भी हारना पड़ेगा अफ्रीका के खिलाफ, और पाकिस्तान की टीम को आपकी इंग्लैंड के खिलाफ थोड़े अच्छे अंदाज से अपने नेट रन रेट को इंक्रीज करते हुए जीत दर्ज करनी है। लेकिन दोस्तों अगर यहां पर न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका को हरा देती तो भी पाकिस्तान के पास क्वालिफिकेशन का चांस रहेगा, जहां पर भाई जितने रन से आपकी न्यूजीलैंड की टीम जीतेगी उतने प्लस 130 रन से पाकिस्तान की टीम को जीत दर्ज करनी पड़ेगी। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे सिनेरियो के बारे में, जो हमें इंडिया और अफगानिस्तान के बीच सेमीफाइनल देखने को मिल सकता है, जहां पर भाई एक बिल्कुल क्लियर कट सा रास्ता है। सबसे पहले अफगानिस्तान की टीम को अफ्रीकन टीम को हराना पड़ेगा, उसके बाद भी बाकी दोनों टीमों का जो रिजल्ट आपकी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों ही टीमों को अपना जो इनका एक एक मैच बचा उस मैच में हारना पड़ेगा, तभी यहां पर अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई कर सकती है। तो दोस्तों फिलहाल कुछ ऐसा सीनरियो वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल्स को लेकर बन चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है वर्ल्ड कप 2023 की पॉइंट टेबल को लेकर, जहां पर वर्ल्ड कप में कल का मैच हमें इंग्लैंड और नीदरलैंड के बीच देखने को मिला। दोनों टीमें यहां पर ऑलरेडी टेबल से मतलब आपकी प्लेऑफ्स की रेस से पूरी तरह से बाहर हो चुकी है, लेकिन मैच काफी इंटरेस्टिंग रहा। वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार बेन स्टोक्स ने यहां पर ताबड़तोड़ शतक लगाया है और भाई और भी काफी सारे रिकॉर्ड्स यहां पर इंग्लैंड की टीम ने तोड़े, लेकिन फाइनली सफर खत्म हो चुका है। जो नई पॉइंट टेबल है उसको आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पाएंगे, जहां पर भाई इस मैच के बाद हमें कुछ इस टाइप की पॉइंट टेबल देखने को मिली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है भारतीय टीम के अगले मैच को लेकर, जहां पर अभी तक वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने कुल 8 मैच खेले हैं, 8 के 8 मैचों में वन साइडेड रोमांचक अंदाज से जीत दर्ज की। ऐसे में सभी को बेसब्री से भारतीय टीम के अगले मैच का इंतजार है, जहां पर वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया अपना अगला मैच नीदरलैंड के साथ खेलने वाली है 12 तारीख को 12 नवंबर को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से हमें यह मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में देखने को मिलने वाला है। दीपावली वाले दिन यह मैच होने वाला है। टीम इंडिया के सभी मैच अक्सर हमें होलीडे पर ही देखने को मिलता है, व्यूअरशिप के यहां पर रिकॉर्ड्स बने, लेकिन दोस्तों आंकड़ों में यहां पर इस मैच से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारतीय टीम क्वालिफाई कर चुकी है, आपकी यहां पर नीदरलैंड टीम ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुकी है, तो भाई यहां पर बस नीदरलैंड के लिए फिलहाल कुछ बचा नहीं है। और टीम इंडिया यहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स इस मैच में जरूर करने वाली है, जहां पर अपने मेन खिलाड़ियों को टीम रेस्ट पर रखना चाहेगी। मेनली गेंदबाजों को यहां पर रेस्ट पर रखा जा सकता है, आपके जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, ये दो बड़े खिलाड़ी हमें आराम करते हुए नजर आ सकते हैं। उनकी जगह पर प्लेइंग 11 में हमें प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर देखने को मिल सकते हैं। वही बैटिंग ऑर्डर में भी एक दो चेंज हो सकता है, जहां पर एक दो सीनियर खिलाड़ी को बैठाकर उनके जगह पर ईशान किशन को भारत की प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है।
सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर के, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप सभी लोग क्रिकेट से जुड़ा हर छोटा बड़ा अपडेट पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से आप हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट इंडिया को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया सीरीज को लेकर, जी हां वर्ल्ड कप के जस्ट बाद सभी टीमें अपने अपने देश लौट जाएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम यहीं पर रह जाएगी जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया आपस में 5 मैचों की बहुत ही जबरदस्त T20 सीरीज खेलने वाली है। T20 सीरीज के अंतिम जो 2 मैच थे, चौथा T20 और 5वां T20, उन मैचेस के वेन्यूज को यहां पर बदल दिया गया है, लेकिन सभी के सवाल थे भाई कब होगा भारतीय टीम का ऐलान, तो आज या फिर कल हमें इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान देखने को मिल जाएगा, जहां पर भाई काफी सारे खिलाड़ी हमें टीम में कमबैक करते हुए नजर आ सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार को यहां पर एक बार फिर से T20 टीम में शामिल किया जा सकता है, ऐसा यहां पर क्लेम किया जा रहा है। रियान प्रयाग जैसे खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में डोमेस्टिक क्रिकेट में तूफान मचा रखा है, वो सभी युवा खिलाड़ी हमें भारतीय T20 टीम में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है WPL यानी वुमेन प्रीमियर लीग 2024 को लेकर, जहां पर कल फाइनली BCCI की तरफ से हमें वुमेन प्रीमियर लीग के सेकंड एडिशन के रिगार्डिंग एक बहुत ही बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज देखने को मिली, जहां पर BCCI ने खुद आधिकारिक तौर पर यह कंफर्म कर दिया है कि फरवरी 2024 में हमें WPL 2024 यानी सेकंड एडिशन देखने को मिलने वाला है और लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में हमें WPL की नीलामी देखने को मिल सकती है, ऐसा यहां पर खुद हमें BCCI की तरफ से कल ऑफिशियल अपडेट्स देखने को मिले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है ICC न्यू रैंकिंग्स को लेकर, जहां कल यहां पर ICC ने नई रैंकिंग्स को रिवील कर दिया है। रैंकिंग सीरियसली काफी जबरदस्त, काफी शानदार, काफी लाजवाब है, क्योंकि भाई यहां पर क्लियर कट हो गया है, टीम इंडिया ने टोटली डोमिनेट किया है, तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया टॉप पर है और भाई यहां पर खिलाड़ियों ने भी कमाल करके दिखाया है। नंबर 1 ODI बैट्समैन शुभमन गिल बन गए हैं, बाबर आजम को उन्होंने पीछे छोड़ दिया, उसके बाद भाई नंबर 1 T20 बैट्समैन सूर्य कुमार यादव है, नंबर 1 ODI बॉलर मोहम्मद सिराज है, नंबर 1 टेस्ट बॉलर यहां पर रविचंद्रन अश्विन है, यानी भाई टोटली टीम इंडिया का डोमिनेंस हमें यहां पर देखने को मिला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है IPL 2024 को लेकर, जहां पर BCCI और IPL 2024 में पार्टिसिपेट करने वाली सभी टीमों ने फिलहाल IPL के नेक्स्ट एडिशन के लिए अपनी तैयारियों का आगाज कर दिया है, अच्छी तरह से फिलहाल तैयारियां चल रही हैं। नीलामी हमें 19 दिसंबर को भारतीय समय अनुसार दोपहर 1 बजे से दुबई में देखने को मिलने वाली है और भी यहां पर 5-5 करोड़ रुपए का पर्स बैलेंस सभी टीमों का बढ़ा है, 100-100 करोड़ रुपए का पर्स बैलेंस अब की बार सभी टीमों के पास होने वाला है और यहां पर ट्रेड विंडो के रिगार्डिंग फाइनल अपडेट आ चुका है, जहां पर 25 नवंबर तक ट्रेड विंडो हमें चलती हुई नजर आएगी, उसके बाद ट्रेड विंडो बंद हो जाएगी, 26 तारीख को हमें सभी टीमों के ऑफिशियल रिटेंशन भी देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों यहां दिन भर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें, सभी खबरों के ऊपर आपके क्या ओपिनियन, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल किसी बस इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।